नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एयर कंडीशन के वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अगर आपने एक या दो टन का एसी लिया है, यानी टन के हिसाब से कितनी साइज़ का वायर लगेगा और एमसीबी कितनी साइज़ की लगानी चाहिए, और कौन सी एसेसरीज हमारी जब हम एसी इंस्टॉलेशन करते हैं तो कौन सी एसेसरीज और लगेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझाऊंगा कैसे हमारा एयर कंडीशन होता है उसका वायरिंग कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा मीटर यहाँ से जाने मेन सप्लाई हमारा का, ये हमारा डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जहाँ पे आपके घर में मेन सभी एमसीबी लगी होगी, ये हमारा एसी, ये उसके वायर के साथ सॉकेट के साथ, और ये हमारा पावर स्विच जो एसी के लिए हमें अलग से परचेस करना रहेगा। ये 16-20 एम्पीयर का आएगा, वो डिपेंड करेगा, अगर आपने एक टन का लिया तो आप 16 एम्पीयर का यूज़ कर सकते हैं, डेढ़ टन का लिया तो 20 एम्पीयर का पावर सॉकेट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारी मेन एमसीबी, अपने घर में मेन एमसीबी लगाई होगी। इसके बाद दूसरी जो आपने एमसीबी लगाई तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताने के लिए रखा है। और ये 20 एम्पीयर की जो मैंने रखी है वो हमारी मेन एमसीबी, या मेन मींस जो हमारे एसी के लिए हमने 20 एम्पीयर की यहाँ पे यूज़ किया। मान लीजिए आपका जो ये एसी है वो डेढ़ टन का है तो हम 20 एम्पीयर की एमसीबी यूज़ करेंगे, और जो वायर साइज यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पर पहले हम स्टेप बाय स्टेप पहले वायरिंग देख लेते हैं। तो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पर आपका फेस और न्यूट्रल आता होगा, और उससे जो उसका आउटपुट होगा मीटर से वो आपकी मेन एमसीबी में जाएगा इस तरह से, और फेज भी हमारा जा रहा है मेन एमसीबी में। इसके बाद इसका जो आउटपुट जाएगा तो वो आपकी सब एमसीबी में जाएगा, जितनी भी आपने एमसीबी लूप रखी होगी जो आपके अलग अलग रूम में जाती होगी वहाँ पे जाएगा। तो ये मैंने एसी के लिए अलग से ये एमसीबी लगाई है, स्लॉट खाली होगा तो आप इस तरह से उसको लगाएंगे। और दूसरी ये जो आपकी एमसीबी में ऑलरेडी वो सप्लाई जाता होगा, तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया ये मैंने अलग से 20 एम्पीयर की ये एसी के लिए लगा, तो यहाँ से जो हमने ऑलरेडी दूसरी एमसीबी में दिया होगा तो वहाँ से एसी वायर मेन जो आउटपुट से मेन फेज आ रहा है उसी से हमें इसके इनपुट में देना होएगा, कहीं से लूप नहीं देना। दूसरी ये एमसीबी है तो वहाँ से हमें फेज नहीं लेना, हमें डायरेक्टली यहाँ से ही फेज को लेना होगा एसी के लिए। सेपरेट एसी के लिए आपको सेपरेट ही फेज न्यूट्रल और अर्थिंग देना पड़ेगा, बराबर। ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी है, आपको जो हमारा एसी है उसके लिए फेज डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई आ रहा होगा, फिर हमारी जो एमसीबी होगी उसके आउटपुट से जा रहा होगा, तो वहाँ से उसके आउटपुट से ही हमें जो एमसीबी हमें कनेक्शन करने वाले हैं एसी के लिए, तो वहाँ से उसके फेज को कंट्रोलिंग कराना पड़ेगा, तो वहाँ से हम ये मेन फेज लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ये पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो ये हमारा थीक और फ्लेक्सिबल कॉपर वायर केबल का आपको यूज़ करना रहेगा। अगर आप सिंगल वायर आपने देखेंगे सिंगल वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर फिर क्या होगा आपके अगर मेन बोर्ड से घर में जहाँ पे आपने एसी लगा वहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी लंबा होगा तो वो दिखने में भी ख़राब लगेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह से अगर आप थीक और फ्लेक्सिबल कॉपर वायर ले लेते हैं जिसके अंदर तीन वायर होंगे, रेड फेस न्यूट्रल अर्थिंग तीन वायर निकलेंगे, यानी एक रेड कलर का होगा, एक येलो कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का होगा, यानी आपका फेस न्यूट्रल अर्थिंग हुआ, तो ये तीन वायर इसके अंदर रहेंगे। इस तरह से आप इमेजेस में भी दे सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, वो आपको पर मीटर 80 रुपये से लेके 70 या 80 रुपये में पड़ेगा, तो वो आपके घर रूम के हिसाब से मीटर के हिसाब का वो लेना पड़ेगा, तो वो आपको डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस कितना है। तो आप थीक और फ्लेक्सिबल केबल लेते तो काफ़ी अच्छा रहेगा और वो दिखने में भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह का आप केबल ले लीजिए, फिर जो इसके हम फेस निकालेंगे मेन वहाँ से, तो वो फेस हमारा डायरेक्टली जो केबल है उसके फेस में देना होगा। उसी तरह न्यूट्रल जो मेन एमसीबी वहाँ से ही हमें न्यूट्रल लेना है, कहीं से लूप नहीं देना, तो वो भी हम डायरेक्टली केबल में कनेक्शन कर देंगे। और अर्थिंग भी आपने जहाँ पे दिया होगा मेन अर्थिंग वहाँ से ही हमें लूप निकाल के इस तरह से केबल में देना है। और जो केबल का जो आउटपुट निकलेगा ये आर रेड फेज न्यूट्रल अर्थिंग डायरेक्टली जो पावर सॉकेट उसके अंदर कनेक्शन कर देना, बस बहुत ही सिंपल है, इतना ही ये वायरिंग है। सिर्फ इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको फेज न्यूट्रल अर्थिंग मेन ही देना है, डायरेक्टली एसी में कनेक्शन लेना, कहीं से लूप नहीं देना है। तो ये चीज़ आपको जब एसी का कनेक्शन करते हो आप, तो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और जैसे मैंने आपको बताया एक टन का एसी होगा तो आप 16 एम्पीयर की पावर सॉकेट यूज़ कर सकते हैं, डेढ़ टन का एसी होगा तो आप 20 एम्पीयर की यूज़ कर सकते हैं, दो टन का होगा तो 25 एम्पीयर तक की आप पावर सॉकेट यूज़ कर सकते हैं। और ये 2.5 mm का हमें थ्री कोर केबल यूज़ करना है, 2.5 mm इनफ है डेढ़ टन के लिए, तो काफ़ी डेढ़ टन तक के लिए काफ़ी इनफ है। दो टन का अगर आप यूज़ करते हो तो फिर आप 4 mm का वायर यूज़ कीजिए, डेढ़ टन तक के जितने भी ऐसे उसके लिए 2.5 mm का इनफ काफ़ी आराम से वो चल जाएगा। तो ये पूरा एसी का वायरिंग, इसमें आपको फिर भी कुछ पता नहीं चला, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।